जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण बिंदु आविष्कार एवं आविष्कारक के बारे में देखेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम, वन डे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखने के लिए अक्सर मिलते हैं, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। जितने आविष्कार और आविष्कारक हैं आप उन्हें कोशिश कीजिए कि बार बार रिवाइज करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सबके अलावा आपके पास एक गुड न्यूज ये है दोस्तों कि अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है, तो 31 मई से पहले आप कोर्स परचेस कर लीजिएगा। अच्छा, ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे ये भी समझिएगा। आपको वहां पर कूपन कोड अप्लाई करना है GYANSIR, ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस याद रखना कि ये सिर्फ 31 मई तक वैलिड है, इसके बाद ये काम नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और समझते हैं आविष्कार और आविष्कारकों को। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि किस चीज का आविष्कार किसने किया है। अगर इसके आगे विस्तार से इनको कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में देख लेंगे इसका काम क्या होता है। क्रोनोमीटर की बात करेंगे तो इसका आविष्कार किया था जॉन हैरिसन ने। इसी तरीके से परमाणु भट्टी ये बनाया था एनरिको फर्मी ने, है ना। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। हेलीकॉप्टर बनाया था सिकोरस्की ने, तो ये याद रखिएगा इगोर सिकोरस्की ने, है ना। ऐसे समझिए ना कि हेलीकॉप्टर में बैठने पर ईगो महसूस होता है। देखो, जैसे आप हेलीकॉप्टर में बैठेंगे आपको ईगो महसूस होगा, तो हेलीकॉप्टर किसने बनाया, इगोर सिकोरस्की ने। गैस इंजन डेमलर ने बनाया। आगे देखिए, साइक्लोट्रॉन को लॉरेंस ने बनाया, है ना। स्टीम बोल्ट की बात करेंगे तो रॉबर्ट फल्टन ने, है ना, ये इन्होंने बनाया था। तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम भाई कौन नहीं जानता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन काफी प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे थे। लेंस कैमरा ये चेवालियर ने बनाया था, है ना। इसी तरीके से गायरोस्कोप ये फोकोल्ट ने बनाया था। ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो ब्लॉथी, ओट्टो ब्लॉथी ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। टेप रिकॉर्डर, है ना, पॉलसन ने बनाया था, है ना। इसके बाद देखिए, कैस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बसु या फिर जेसी बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, तो याद रखिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाप इंजन जेम्स वाट ने बनाया था, है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे, रेफ्रिजरेटर हैरिसन और कैटलिन ने बनाया, है ना। लिफ्ट की बात करेंगे तो ये ओटिस ने बनाया, है ना, ओटिस ने लिफ्ट बनाया, है ना। बस इसको ऐसे याद रखिएगा कि लिफ्ट को नोटिस कीजिए, तो नोटिस से आप क्लियर कर लेंगे, नोटिस मतलब ओटिस करना। ईमेल टॉमलिंसन ने बनाया। टॉमलिंसन ने किसका आविष्कार किया, ईमेल, है ना। तो ऐसे समझिएगा टॉम ने ईमेल किया, बस क्लियर हो गया, है ना। टेलीविजन की बात करेंगे तो जेल बेल्ड, है ना, जेल बेल्ड ने क्या किया, टेलीविजन बनाया, है ना। बैरोमीटर टॉरिसोली ने बनाया। इसी तरीके से वायुयान राइट बंधु, है ना। मिलिट्री टैंक की बात करेंगे तो स्विंगटन ने इस टैंक का निर्माण किया, है ना। डायलिसिस मशीन ये कुल्फ ने बनाया। तो ऐसे बस समझिएगा कि देखिए, एक आइसक्रीम का वर्जन होता है ना कुल्फी, है ना, तो बस ऐसे समझ लीजिएगा कि कुल्फी ज्यादा खाएंगे तो डायलिसिस करानी पड़ेगी, है ना। ये देखिए एक फनी ट्रिक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बात यहाँ पे सत्य, बस आपको आसानी से याद हो जाए, बस ये याद रखिएगा ना, ज्यादा कुल्फी खाने से डायलिसिस करानी पड़ेगी। तो बस डायलिसिस मशीन किसने बनाया, विलियम कुल्फ ने, है ना। फोटोमीटर पिकरिंग ने बनाया, है ना। तो पिकरिंग ने क्या किया, फोटोमीटर का निर्माण किया। थर्मामीटर फॉरेनहाइट, अब ये तो भाई बहुत ही आसान से, है ना, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है किससे नापते हैं, थर्मामीटर, और बॉडी का टेम्परेचर फॉरेनहाइट में होता है, तो फॉरेनहाइट ने थर्मामीटर का निर्माण किया। फाउंटेन पेन ये बनाया वाटरमैन ने, तो बस ऐसे याद रखिएगा वाटर से चलने वाली पेन, है ना। फाउंटेन पेन मतलब वाटर से चलने वाली पेन किसने बनाया, फाउंटेन पेन वाटरमैन, है ना। टेलीफोन की बात करेंगे ग्राहम बेल, अब देखते ना फोन की बेल बजी, तो बस क्लियर हो गया, टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया, है ना, बेल बजी फोन की। इसी तरीके से टेलीग्राफी की बात करेंगे तो मार्कोनी,
अब यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब एडिसन, इनके बारे में कौन नहीं जानता है ना, एडिसन के बारे में, इन्होंने विद्युत बल्ब का निर्माण किया था। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कुछ और आविष्कार के बारे में, बड़े आविष्कार है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया, देखिए रेडियो मार्कोनी ने बनाया था, ये तो हमने देख लिया। डीजल इंजन इन्होंने, ये रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, देखिए नाम से पता चल जाएगा डीजल इंजन डीजल ने बनाया है ना। टाइप मशीन सोल्स ने बनाया है ना, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि सो के लिए टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सोल्स सो टाइप मशीन है ना। छपाई मशीन गुटेनबर्ग ने बनाया है ना। पेट्रोल चालित कार ये कार्ज बेंज ने बनाया है ना, तो बस ऐसे याद रखिएगा बेंज कार पेट्रोल से चलते है ना, तो आसानी से याद हो जाएगा। जेट इंजन ये विटले ने बनाया इसको है ना। माइक्रोमीटर की बात करेंगे तो इसको कोजिन ने बनाया था है ना, विलियम गैस कोजिन। स्कूटर ये ब्रॉड था है ना, तो बस ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपको देखिए ब्रॉड मतलब, या फिर ऐसे समझिए एक ब्रॉड महिला स्कूटर पे बैठ के जा रही है। यहाँ पे देखिए किसी का मजाक उड़ाना या फिर कोई भी बात यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बस आपको आसानी से याद हो जाए इस वजह से ट्रिक बोले जा रहे हैं ना। इसी तरीके से रेल इंजन की बात करेंगे तो स्टीफेंसन है ना। बाल पेन है ना, बाल पेन की बात करेंगे तो किसने, देखिए अभी आपने पीछे देखा था एक और पेन था है ना, तो वाटर से चल रहा था, मतलब ये ट्रिक बताया गया था। इसी तरीके से यहाँ पे बाल पेन की बात करेंगे तो लाउड ने है ना, मतलब ऐसे समझिएगा मतलब जो बाल मतलब बच्चा है, पेन के लिए लाउड लाउड चिल्लाने लगा, मतलब लाउड आवाज में रोने लगा, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया देखिए ट्रांजिस्टर ये साकले ने बनाया। राडार की बात करेंगे तो वाटसन वाट ने बनाया है ना, राडार ने, राडार के कारण वाट लग जाती है शत्रु देशों की, तो आप आसानी से याद कर लेंगे। पनडुब्बी ये बनाया ड्रेबल ने है ना। साइकिल मैकमिलन। सिस्मोमीटर रॉबर्ट मैलेट ने बनाया। पैरासूट ये किसने बनाया, लेनोरमैन। आगे बढ़ेंगे ग्रामोफोन एडिसन ने बनाया है ना। और सेक्सटेंट की बात करेंगे तो कॉम्पेल ने बनाया। आगे बिजली का पंखा व्हीलर है ना, तो इन्होंने निर्माण किया है। नेक्स्ट अगर और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए एसी की बात करेंगे, यहाँ पे एयर कंडीशनर दिया, तो एक कैरियर देखिए हैवीलैंड कैरियर, तो बस ऐसे याद रखिएगा कैरियर बनाने के बाद आप एसी में बैठोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। एयर कंडीशनर मतलब जो एसी है इसको विल्स हैवीलैंड कैरियर ने बनाया। अगर आपकी कैरियर अच्छी होगी तो आप दिन भर एसी में बैठेंगे, क्लियर, तो आसानी से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ और दिया, यहाँ पे खोज और आविष्कारक के बारे में दिया गया, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि किसका आविष्कार किसने किया है। देखिए ये खोज या आविष्कार है, यहाँ पे खोज करता है आविष्कारक का नाम, विद्युत धारा है ना। विद्युत धारा के बारे में यहाँ पे एलेसेंड्रो वोल्टा, ये नाम याद रखिएगा। विद्युती तरंग हेनरिक हर्ट्ज का नाम याद रखिएगा। विद्युत बैटरी ये वोल्टा है ना, ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा है ना। अब आगे देखिएगा यहाँ पर अगर बात करेंगे स्थिर वैद्युत थिल्स का नाम आएगा। विद्युत आवेश के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना। सेल्सियस पैमाना ये एंडर्स सेल्सियस ने बनाया है ना। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। आपने हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा है ना। इसी तरीके से फॉरेनहाइट पैमाना फॉरेनहाइट ने दिया था। दाब का नियम पास्कल ने। सापेक्षता का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, सॉरी आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत E इक्वल टू एमसी स्क्वायर आप देखते हैं ना, यही है। आगे देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से जुड़ा हुआ है। प्लावन का सिद्धांत आर्कमिडीज से जुड़ा है। प्लावन का सिद्धांत अच्छे दो बार रिपीट हो गया। विद्युत धारा का तापी प्रभाव जूल से जुड़ा हुआ है। विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, ये जरूर आपको याद होगा। इसी तरीके से विद्युत आकर्षण का नियम कुलाम का नियम, कुलाम का नियम भी आपको पता होगा F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, याद रख सकते हैं ना। इसी तरीके से देखिए विद्युत उष्मा प्रभाव जूल ने दिया है ना। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं है ना, और वहां पर अगर नहीं कर पाएंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। देखिए डायोड वॉल्व की बात करेंगे फ्लेमिंग ने बनाया। इसी तरीके से ट्रायोड वॉल्व फॉरेस्ट ने बनाया है ना। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, ये अल्फ्रेड नोबल की कहानी याद रखिएगा डायनामाइट के बारे में है ना। अल्फ्रेड नोबेल ये वही नोबेल है जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। लेजर किरडों की बात करेंगे तो मेमन ने बनाया है ना। मेसर किरडे ये देखिए गोल्डन गिगर और टाउन्स ने इसका निर्माण किया या फिर खोज किया, जो भी आपको समझ दें। अति चालकता है ना, ये देखिए कामेरलिंग ओन्स ने इसके बारे में बताया है ना। अब्र कोष्ट के बारे में विल्सन ने बताया। न्यूट्रीनो की खोज पाउली ने किया था। फोटान की खोज आइंस्टीन ने किया था। इसी तरीके से देखिए परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी के द्वारा बताया गया है ना। प्रेरक कुंडली रूम कार्फ ने बनाया, मतलब खोजा था। देखिए लॉगरिथम्स की बात करेंगे, मतलब जो लॉग एंटी लॉग है इसकी खोज जॉन नेपियर ने, मतलब लॉग एंटी लॉग के बारे में किसने बताया था, जॉन नेपियर ने बताया। नाभिकीय विखंडन के बारे में ऑटो हॉर्न और स्ट्रेट्समैन ने बताया। नेक्स्ट प्रकाश का यांत्रिक तुल्यांक जूल ने बताया है ना। शीतलन का नियम न्यूटन से जुड़ा हुआ है।
और ऑप्टिकल फाइबर चार्ल्स के काउ, ये जरूर याद रखिएगा, है ना। गति विषयक नियम न्यूटन का, किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया। तो दोस्तों ये कुछ आविष्कार खोज, आविष्कारक खोज करता है, ये सब रहे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपको याद रहे। साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु विशेषता और नाम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और 31 मई से पहले किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय ज्ञान सर कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो छूट है दोस्तों सिर्फ 31 मई तक है, तो इससे पहले ही आप जिन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया फलों की रानी, अगर पूछा जाए फलों की रानी कौन है तो फलों की रानी है लीची। इसी तरीके से अगर फूलों की रानी की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लेडियोलस लिखा गया है ना, अर्थात फूलों की रानी कौन है, ग्लेडियोलस, है ना। समशीतोष्ण फलों का राजा, समशीतोष्ण मतलब जो थोड़े से ठंडे क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहाँ पर फलों का राजा कौन है, सेब है। देखिए सामान्यतः अगर फलों के राजा की बात करेंगे तो आम को माना जाता है, फलों का राजा है आम, लेकिन इसके सामने अगर समशीतोष्ण शब्द जोड़ दिया जाएगा तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेब। फलों का राजा आम, फलों की रानी लीची, है ना। अब आगे दिया मसालों की रानी, तो मसालों की रानी कौन है, इलायची है, है ना। इसी तरीके से सभी पेय पदार्थों की रानी, ये कौन है, चाय, मतलब सभी पेय पदार्थों में सबसे प्रमुख किसको माना जाता है, चाय को माना जाता है। देखिए गरीब लोगों का फल, ये बेर को कहा जाता है, बेर को माना जाता है गरीब लोगों का फल। हरा सोना, ये अफीम का उपनाम होता है, अर्थात अफीम को कहा जाता है। इसी तरीके से कल्प वृक्ष, ये नारियल का नाम है, नारियल का नाम होता है कल्प वृक्ष। शताब्दी पौधा, खजूर को कहा जाता है। विश्वव्यापी रेशा, ये कपास को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया शुष्क फलों का राजा, ये बादाम। शुष्क फल मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे काजू बादाम इन सब की बात करेंगे तो ड्राई फ्रूट का जो राजा होता है ये कौन है, बादाम है। वनों का राजा टीक, मतलब टीक नाम का वृक्ष होता है जो सभी पेड़ों में सबसे उच्च माना जाता है। ईश्वरीय भोजन, कोकोआ को ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट है। इसी तरीके से उजला सोना, ये कपास को कहा जाता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया मोटा अनाज, तो मोटा अनाज की संज्ञा दी जाती है किसको, ज्वार और बाजरा, ज्वार बाजरा को मोटा अनाज कहा जाता है। शाकाहारी मांस, ये मशरूम को कहा जाता है कि शाकाहारी मांस है। अद्भुत वृक्ष, ये नीम है। राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद को माना जाता है। 21वीं सदी का पेड़, ये भी नीम को माना जाता है। दलहनों की रानी, मटर। यहाँ पर दिया अनाजों की रानी, तो अनाजों की रानी मक्का, इसे याद रखिएगा। सुनहरा रेशा, जूट। देखिए अगर कभी भी यहाँ पे मतलब, देखिए अभी आपने पीछे रेशा से संबंधित एक और क्वेश्चन देखा था तो उसको भी याद रखिएगा और इसे भी याद रखिएगा। दलहनों का राजा कौन है, चना। देखिए दलहनों की रानी मटर है और राजा कौन है, चना है। तो आप इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्तों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके सामान्य जानकारी के लिए भी और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया फलों तथा सब्जियों के रंग एवं कड़वाहट का कारण, मतलब कोई भी सब्जी या फल किसी विशेष रंग का दिखाई देता है तो उसका कारण क्या होता है, या उसमें कड़वाहट है तो उसका कारण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया आंवले का कसैलापन, जो आंवला में कसैलापन होता है ये टैनिन के कारण होता है। इसी तरीके से बादाम का कड़वाहट जो होता है ये एमाइलेडिन के कारण होता है। यहाँ पर दिया पपीते में पीला रंग, ये कैरिका जेंथिन के कारण होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। खीरे का जो कड़वाहट होता है ये कुकुरबिटेसिन के कारण होता है ना। करेले का कड़वाहट मेमोल्डी कोसाइड के कारण होता है। आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण बनता है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया मूली का जो तीखापन है ये आइसोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन का गंध जो है ये एलाइसिन के कारण होता है। पीपर में गंध का कारण होता है ओलियोसेरिस, है ना। टमाटर का लाल रंग के लाइकोपिन के कारण होता है। तो हल्दी के पीले रंग की बात करेंगे तो कुरकुमिन के कारण होता है। गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, है ना। तिलहन के तेल का जो पीला रंग होता है ये कैरोटीनाइड के कारण होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया मिर्च में लाल रंग, जो मिर्च का लाल रंग होता है ये कैप्सेनथिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण, है ना। अरबी में कसैलापन, जो अरबी होता है एक तरीके की सब्जी होती है, इसमें जो कसैला का पैन होता है ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होता है, है ना। बेल का कड़वाहट होता है मार्मोलोथसिन के कारण। इसी तरीके से यहाँ पर दिया सलजम में जो
चरपराहट होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है ना, गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और पीपर का जो कड़वाहट होता है ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा है कि जो कड़वाहट या विशेष रंग है किसके कारण, यहाँ पे दिया है प्याज का रंग एंथोसाइनिन और एंथोक्साइसिन के कारण होता है ना। इसी तरीके से देखिए और भी आगे देखेंगे, यहाँ पे कलर के बारे में बताया है ना, तो इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये क्लास नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी सी क्लास है, तो आप यहाँ से काफी कुछ चीज याद रख सकते हैं। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।